वो मैनू आखन लग पैसा पाकिस्तान जाऊंगा, मैं मैनू ही लै चलिया। अच्छा, मुड़ मैं अगली दवार आख्या भाई चलन की क्या तैयारी है, मेरा खर्चा ज्यादा, मैं कितना बोला 20,000, मैं 33 हो गए। अच्छा ठीक, तो कभी उस हवेली को देखने की इच्छा हुई? इच्छा तो सह फिर जावा क्यों कर लेकिन पहले जो वहाँ के MNA साहब हैं, उन्होंने आपके नाम पैगाम भेजा है कि जैसे आप की बहुत बहुत दिली तमन्ना थी कि आप अपना घर देखें, तो उसके लिए है ये। आना चाहे यहाँ लालियाँ अपना घर देखने के लिए तो हमें खुशी होगी, आप अपना वीजा अप्लाई करें। जी नमस्कार जी, मैं हूं अभी हमारे बुज़ुर्ग सीताराम जी के पास। इनकी लास्ट वीडियो आपने देखी थी और वो वीडियो जो थी पेज ऑफ लालियां के ऊपर डाली गई थी और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस भी आए थे, तो आपके वही क्वेश्चंस लेके मैं एक बार फिर से आया हूं, हमारे सीताराम बुज़ुर्ग जो हैं उनके पास आया हूँ मैं, तो उनके जवाब जानेंगे और उनसे फिर से मुलाकात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल अनटोल्ड पार्टीशन स्टोरीज़ के साथ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए। शुरू करते हैं वीडियो। राम राम जी। राम राम, राम जी। पहले तो आशीर्वाद दे दो जी। हाँ। आओ जी, आप भी आशीर्वाद दे दो जी। आपकी वीडियो बनाई थी जी लास्ट टाइम हमने। हाँ, हाँ, बनाई थी। तो बड़ी पसंद करी है लोगों ने। अच्छा। और बहुत से लोग जो थे आपसे इमोशनली मतलब बड़े इंस्पायर हुए हैं और बड़े आपसे मतलब उनको ये लगा है कि भाई हमारे ही बीच का कोई बंदा है। और आज जो मैं आपके पास वापस आया हूँ ना, तो उनके जो कुछ सवाल जवाब या उनके जो वो कुछ पूछना चाहते थे आपसे, वो चीज़ें लेके आपके पास आया हूँ। अच्छा। तो कुछ लोगों ने ना मेहनत की आपके, जैसे मैं वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि आप जैसे अपना घर देखना चाहते थे। हाँ। तो उस टाइम पे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी लोगों से, वहाँ के लोगों से, कि जी आपका घर दिखाएं। तो एक दो बंदों ने वहाँ की वीडियो भी बना के भेजी है। हाँ। फ़ोटो भी भेजे हैं। तो आपने वो वीडियो देखी है अभी तक? देखी जी। तो उसमें कुछ आया आपको समझ में कि आपका घर कहाँ पे है? घर कुछ नहीं समझ में आया। अच्छा। रोड भी दिखा दिया उसने, जेड़ा लाहौर तो पेशावर वैंदा वो भी खा दिता। अच्छा अच्छा। शहर तो भी खाया ही कोई ना। शहर में तो बढ़िया है। तो नहीं, जो जैसे वहाँ पे जो वो था, आपने बताया था कि पुलिस स्टेशन के पास में घर है, एक तरफ डंगरों का हॉस्पिटल भी है, सरकारी स्कूल भी है, तो वहाँ पे आपका कौन सा घर होता था फिर? घर तो हमारा शहर में था। शहर के अंदर था? हाँ, शहर के बीच में था। बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज़ और थी कि वहाँ के जैसे अपने यहाँ पे MLA होते हैं ना। हाँ। वहाँ पे होते हैं MNA। तो जब आपकी वीडियो उनके MNA साहब के पास पहुँची है, तो वो उन्होंने एक पैगाम भेजा है और पैगाम मैं एक बार आपको सुना देता हूँ। MLA तो नहीं हो रहा करते के नालिया है। MNA कहते हैं। अब MNA कहते हैं। कांवे वाला गांव था। कांवे वाला है? कांवे वाला गांव। वहाँ के कांवे वाला। हाँ। और इनके वालिद का नाम दोस्त मोहम्मद लाली और दोस्त मोहम्मद लाली के वालिद का नाम महर अल्लाह यार लाली था। यहाँ के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। लेकिन पहले जो वहाँ के MNA साहब हैं, उन्होंने आपके नाम पैगाम भेजा है कि जैसे आप की बहुत बहुत दिली तमन्ना थी कि आप अपना घर देखें। हाँ, हाँ। तो उसके लिए है ये। आना चाहे यहाँ लालियाँ अपना घर देखने के लिए तो हमें खुशी होगी, आप अपना वीज़ा अप्लाई करें और जिस दिन आपका कंफर्म हो हमें बताएं, हम इंशाल्लाह आपको बजरिया एयरपोर्ट आना चाहें, बजरिया वाघा बॉर्डर आना चाहें, हम आप लोगों को वेलकम करेंगे और यहाँ हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे और फिर आपको हम वापस ड्रॉप कर देंगे जी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ वहाँ के जो MNA साहब हैं, उन्होंने ये पैगाम भेजा है। अच्छा। कि जी
अगर आप अपना घर देखने के वो हैं, आप घर देखना चाहते हैं, तो हम बहुत दिल से आपको आपका घर दिखाएंगे। आप वीज़ा अप्लाई कीजिए, जैसे आपका ओके हो जाता है तो आप अगर बाय एयर जाना चाहो या बाय ट्रेन जाना चाहो या बाय बस जाना चाहो, तो वाघा बॉर्डर पे अगर आप पहुंच जाओगे तो वो अपने आप ही सारा अरेंजमेंट करेंगे और आपको आपका घर दिखाएंगे, आपकी खिदमत करेंगे, आपका जो मतलब रहने सहने का जो भी या खाने पीने का जो भी होगा वो सब अरेंजमेंट वो खुद करके देंगे। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? गड़बड़े क्यों जा नहीं तंदुरुस्त होंगी तो भाग जाएगी अगर जी एक इकला भी नहीं जा सकता दो चार वो तो है दो चार आदमी तो साथ में जाएंगे तो ये पिपल है ये पिपल बड़ा पुराना है ये मेरे ताऊ का है। अच्छा हाँ आपके ताऊ ने लगाया था? हाँ ताऊ का था, बहुत पेड़ तो घना पुराना पेड़ हो गया। मैं यही पुराना जब बुजुर्गों का दौर था। थोड़े रह गए यही हवेली निकल आए तो ये हवेली है एक साथ ही है ठीक है। ये आपकी हवेली है? हाँ उठे और कोई भी ना बड़ी याद का किले का उस तो पीछे फकीर आ जाता है। दूसरा ये इनसे पूछे कि आज के दौर में यहाँ खुस्से और हुक्के बड़े मशहूर हैं, मोची खुस्से करते हैं जो मशहूर हैं पहनने के लिए। हम हाँ खुस्से हैं खुस्से इधर क्योंकि उस टाइम में भी अच्छा इधर जाने में भी यही मशहूर थे। ये क्या चीज मशहूर थी तब? तो ये कह रहे कि वहाँ पे ना ये बहुत मशहूर है अभी। हाँ तो क्या उस टाइम पे भी मशहूर थे ऐसे ही? हाँ वो पहले मशहूर थे और दूसरा यहाँ पुरानी मस्जिद दो है, एक जामन वाली मस्जिद है वहाँ पे उस टाइम बाजार होता था, दुकानें वगैरह होती थी, और एक जामिया मस्जिद है। दो मस्जिद बता रहे हैं, एक जामन मस्जिद एक जामिया मस्जिद सेंड किए हुए हैं, इनको दिखाइएगा उस टाइम ये हां दो मस्जिद बड़ी यार क्या हाँ। ये इसी हाल में थी या दो मस्जिद थी बस अभी गुंबद वगैरह उस टाइम नहीं थे? तो उस इन्होंने एक फोटो भेजा था कि ये जो मस्जिद थी उस टाइम पे भी मतलब वैसी ही थी या कैसे, मैं अभी एक बार दिखाता हूँ आपको। ये मस्जिद थी, ये मस्जिद का भी फोटो भेजा। हाँ 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 ठीक है, मस्जिद मंदिर था तो नजदीका ही कोई मालूम। अच्छा मंदिर था वहाँ पे? मंदिर बहुत ऊँचा था, मंदिर था वहाँ पे। अच्छा तो कोई वहाँ पे एक मंदिर भी होता था हिंदुओं का, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन मंदिर का फ़ोटो भी ज़रूर भेजिए, या हो सके तो एक छोटा सा वीडियो बना के ज़रूर भेज दें वहाँ का। तो आपने बताया कि आपकी बाहर में थी हवेली और अंदर शहर के अंदर होता था आपका मकान, मकान। तो मकान के बारे में आप बताएं कि आपका मकान मतलब बाजार में था या ना गली में था? गली के अंदर था। जो कर आप बाजार है ना? हाँ हाँ गली आके तो सोचा। अच्छा बाजार जैसे गांव के शुरू से बाजार शुरू हो गया या फिर एंड में जाके था घर? आज बेचारे हाँ बाजार से मुझ आई गली जी है ना, इन गली जाके मुझ आई साइड के मकान। अच्छा 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 बराबर है एक मुझ सुनारे डाल दिया, सुनारे रह करते सुनारे डाल दिया ठीक संग साढ़े गुलाटी डाल दिया। अच्छा इधर बाटिया रांदे हैं। अच्छा अच्छा एक पिछा साढ़े पिछा रांदी है एक कुमारी। अच्छा उसका नाम है जंतो। हाँ हाँ जंतो कुमारी, जंतो कुमारी। हाँ अच्छा ठीक। अच्छा एक गांव था सागरा गांव, सागरा गांव था पास में सागरा? हाँ सागरा तो नहीं था। वहाँ की आई है एक रिक्वेस्ट, वो बोल रहे थे कि उनका जो घर सांगरी 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 गांव सांगरी गांव है उधर। हाँ। अपनी जमीन भी थी। अच्छा सांगरी गांव में? हाँ जमीन भी थी। अच्छा ठीक। आपके जो वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग होते थे और उनमें से मशहूर नाम किन किन के थे?
मशहूर तो ये थे, मशहूर लाल जुकर उमर याद था, उमर याद मुसल सैयद था ना, हाँ 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 वो था। अच्छा। और भाई वजीर चंद था। अच्छा। और भाई गोविंद था जी, और मेरा बाप भी था। हाँ जी बिल्कुल। और एक वो रामलाल और भी था जी, कई आदमी मशहूर थे भाई। ठीक है। और मुसलमानों में आपने नाम बताया? हाँ मुसलमान वो के नाले आई हाँ उमर याद, उमर याद सब तो मशहूर हुआ। ठीक। मगर उसका छोरा था खिदर। अच्छा। खिदर भी बहुत चल दिया। अच्छा। बहुत भले आदमी है, साडा धन सारा हिंदुआ दा दे घर आई। अच्छा। जैसे ले सन तू लिख लिया ना, इतना ईमानदार आई बोले जिससे दसो था ही प्यारा सी। अच्छा। वो साखी जब आना आई मोटर का आ गए उसे, वो धानु से गोले। अच्छा। तो जो वो सही साहब जो थे वो लालिया में ही रहते थे? लालिया में बाहर रहते, बाहर की तरफ। बहुत देवता आदमी है भाई। अच्छा। लंगर जारी, हिंदुओं का वखरा मुसलमानों का वखरा। अच्छा। लंगर चला के रखते थे हिंदुओं का, वो ब्राह्मण बनिंदा। अच्छा। उनके क्या के उधर तो रकबा इतना आई हो दिन, वो तो एक किस्म का कचहरी लेंदा है। अच्छा जी। हाँ वो इनके साढ़े मंदिर बनाने लगे। हाँ हाँ। मंदिर बनाने लगे तो मुसलमान गए, बोला भाई रोक दो मंदिर। अच्छा। क्यों? बोला भाई सैयद नु आ रहे हैं, सैयद का ना लेंदे हम हिंदू रोक छ। अच्छा। उमर सैयद आया तो मुसलमान गए उधर को, उमर सैयद आ गया तो सैयद को मुसलमान गए, बोला जी हिंदू तो मंदिर उच्चा ला देंगे। अच्छा। सुनाओ बुलाओ हिंदुआ नु गए भाई वे वे, बोला भाई ऐसे करना, बोला हाँ मंदिर उच्चा ले जाओ। अच्छा। अब थारे खजाने से पीछा नहीं लगेगा, मेरे से लगा। क्या बात है। और फिर मुसलमान बोला भाई मुसलमानों हाँ सैयद ले जाओ उच्ची मस्जिद ले जाओ उच्ची, मेरे खजाने से पीछे लगे। क्या बात है। यो आदमी आयो सैयद। ठीक। मतलब ये मिसाल थे है? मिसाल थे ये लोग। हाँ ये सैयद थे। सैयद थे। सैयद कौम एक फकीर है। मतलब पूरी कौम में मिसाल थे कि भाई ऐसे भी आदमी है, हाँ है। जो हिंदू के लिए भी उतना सोच रहे हैं और मुसलमान ना तो फालतू सोचता है। हाँ। असली पूछे तो सानू बचावन वाला ही होए। ठीक। वो मुसलमान ना दी जेडी सकीम होते है सानू दस पैंदा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब उन्होंने ये कहो कि लालिया गांव के जितने भी हिंदू थे सब परिवारों की जान उन्होंने बचाई। हाँ कोई शक नहीं भाई। जी जी जी।